मेरे बच्चे, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे दुश्मनों का विनाश निश्चित है। वह जितना नुकसान करना था वह कर चुके। अब मैं यहाँ नहीं होने दूंगी, क्योंकि उनके हृदय में जो उनके लिए चाल साजी बसी हुई है, वह जो कर रहे हैं उनके ऊपर खुद वही की हुई भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। यह प्रकृति का और मेरा नियम है। जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहता है उनका खुद का बुरा होता है। इसलिए तुम भी निश्चिंत रहो और अपने शत्रुओं से तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं तुम्हारी माँ कर रही हो तो तुम्हें कोई कैसे नुकसान पहुँचा सकता है। एक प्रकार का नहीं, शत्रु कई प्रकार के होते हैं। एक तो तुम्हारे जीवन में जो उन्नति के बीच में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है वह भी शत्रु होता है। वह एक शत्रु होता है मेरे बच्चे, जो दो प्यार करने वालों के बीच बंधक बन जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सफलता प्राप्त करना कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, इसलिए वह जीवन में ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही दूसरों को करने की खुशी मनाते हैं, बल्कि वह दूसरों के शत्रु बनकर उनका कार्य केवल बिगाड़ने का अथक प्रयास करते हैं। तुमने कई बार ऐसा महसूस भी किया होगा मेरे बच्चे, कि तुम्हारी पीठ पीछे एक दूसरे से लोग बुराइयां करते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आकर तुमको उन बातों को कह देता है, और यही कारण होता है कि वह तुम्हारी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हारी ऊंचाइयों को देखना उनको पसंद नहीं होता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गलत कर रहा है वह खुद अपने जीवन को अवनति की ओर ले जा रहा है। निश्चित उसके कार्य विफल होने लगेंगे और वह एक ऐसे मुकाम पर धीरे धीरे करके चला जाएगा जहाँ पर वह खुद को बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ महसूस करेगा, और कुछ समय के बाद उसे भी यह एहसास होगा कि उसने जो किया था वह गलत था, उसने जो सोचा था वह गलत था, उसने किसी के बारे में गलत सोचकर अपने आप को केवल दूसरों की नज़रों से गिराया है और कुछ नहीं। इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके हृदय में मैं स्वयं निवास करती हूँ, उसके हृदय में सिर्फ मैं निवास नहीं करती बल्कि एक शक्ति रहती है, और उस शक्ति से तुम्हें रक्षा कवच मिलता रहता है। भले ही तुम कितना भी डरो, काम करते रहो, बहते पानी की तरह कचरा खुद ब खुद हट जाएगा, गंदगी की तरह
और वही शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें बचाएगी और तुम्हारे को जो कार्य बनाना चाहते हुए तुम्हारा गलत करते करते उनके खुद के कार्य बिगड़ने लगेंगे, क्योंकि जो जैसा सामने वाले के साथ करता है उसके जीवन में वैसा स्वयं होने लगता है, ना कि वह जिसके साथ करता है उसके जीवन में होता है। यदि तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय रहते तुम्हारे शत्रु सुधर जाएंगे और मुझसे आकर माफ़ी मांगेंगे तो और आगे तुम्हारे साथ गलत ना करने का पूर्ण निश्चिंत करेंगे, शपथ लेंगे कि वह तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे तो मेरी माफ़ी के हकदार हो सकते हैं, अन्यथा उन्हें मेरे क्रोध का सामना अवश्य करना पड़ेगा और दंड का भुगतान भी उन्हें अवश्य भोगना होगा। जीवन में बहुत अच्छा होने का संकेत देती है। अच्छा समय आता नहीं, लाना पड़ता है, वह भी अपने हाथों से, क्योंकि जैसे अपने हाथों से कर्म करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे पीछे अच्छा समय आएगा और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे ऐसे कार्य खुद ब खुद तुमको बचाएंगे। गलत उनके साथ होगा जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। हृदय जैसा कहता है सच कहता है, क्योंकि हृदय में मेरा वास है और तुम्हारे अंदर बसी वह बातें जो मेरे द्वारा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही हैं अच्छी और सच्ची हैं।